वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर रायपुर में अतिथि शिक्षकों के बाद सहायक शिक्षक भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। रायपुर में आज सहायक शिक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जन घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं मामले पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ के सहायक अधिकारियों और कर्मचारियों को सब्र रखने की बात भी कही और केंद्र पर राजनिधि के 20 से 23 हजार करोड़ रुपए नहीं दे पाने का आरोप भी लगाया। निश्चित रूप से इस बीच में जिस प्रकार से सरकार की नीति रही है, इसको लेकर के सभी वर्गों में काफ़ी आक्रोश है और सहायक शिक्षकों के जो में आक्रोश इसलिए भी है कि जो उनका जो वेतन है और वेतन में जो असमानता है काफ़ी है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है और ये एक प्रकार से सहने की उनकी शक्ति नहीं है। इस असमानता को दूर होना चाहिए और बाकी पदोन्नति क्रमोन्नति की जो बात किए हैं उस पर भी सरकार को विचार करके जो घोषणा किए हैं, वादा किए हैं, वो वादा को पूरे करने चाहिए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से लगे हुए 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के 30% तक के वेतन की कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिन्होंने 1 रुपया भी अपने कर्मचारी अधिकारियों की वेतन की कटौती नहीं की है। तो कुछ उनकी और मांगे हो सकती हैं, लेकिन कोरोना काल में हम दोहरी मार से, एक तो हमारे राजस्व का, रेवेन्यू का कलेक्शन स्टेट का थोड़ा कम हो रहा है और दूसरा लगातार केंद्र सरकार राज्य के जो निधि है लगभग 20 से 23 हजार करोड़ रुपया हमको अभी नहीं दे पा रही है, तो दोनों कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति तो प्रभावित हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे अपने ही हैं, जब संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे उनकी मांगों में निश्चित रूप से हम विचार करेंगे।